नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। मेकर्स के कुछ बदलाव किए जाने के बाद बीवी हाउस के अंदर चीजें दिलचस्प हो गई। अनिल कपूर के होस्ट किए जाने वाले शो बिग बॉस ओटीटी 3 में कई दिलचस्प चीजें हो रही हैं। हालिया एपिसोड में अनिल कपूर ने कंटेस्टेंट से उनके टास्क के बारे में पूछताछ की और उन्हें अपने तरीके सुधारने के लिए कहा। यही बीवी हाउसमेट्स के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी थी क्योंकि वो खेल को लेकर धीमे पड़ गए थे। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि शो उन कंटेस्टेंट्स की वजह से बोरिंग हो गया है जो खेल में ज़्यादा योगदान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में फुल ऑन ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है और वैसे ही ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है। शो में कई ऐसी घटना होती है जो दर्शकों को शो से बांधे रख रही है। इनमें से एक ऐसी घटना है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो थी जब अरमान मलिक ने अपनी पत्नी कृतिका मलिक से टाइट कपड़े पहनने से मना किया। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी में अक्सर कृतिका मलिक जिम वियर में उन्हें देखा जा रहा है और वो एक्सरसाइज करते हुए भी दिखाई दी है। वहीं लेटेस्ट एपिसोड में कृतिका मलिक को गुलाबी और काले रंग के जिम वियर में पहना देखा गया। उन्होंने जो टॉप पहना था उसके पीछे कटआउट डिजाइन था और ट्राउजर स्किनी तरीके से फिट था। जब वहां अरमान मलिक के पास से गुजरी तो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी यानी कृतिका को बुलाया और कहा कि कपड़े बदल लो। इस पर कृतिका ने उनसे पूछा, पैजामा पहन लूं क्या? उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, इस पर शेप दिख रहा है। कृतिका ये सुन वहां से चली गई। बाद में वो रसोई में खाना बनाते समय अपने टॉप के ऊपर एक काली जैकेट पहनी हुई दिखाई दी। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत में अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका से दूरी बनाकर रख रहे थे, लेकिन जब से पायल मलिक बिग बॉस हाउस से बाहर हुई है तब से अरमान दूसरी पत्नी कृतिका के करीब आने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं और दिखाई देते हैं उनके आसपास ही। खैर, जब से बिग बॉस शुरू हुआ है तब से तीनों ने एंट्री ली और तब से सुर्खियों में ही बने हुए हैं। पायल मलिक घर के बाहर ड्रामा करती हुई नजर आ रही है तो वहीं अरमान और कृतिका घर के अंदर ड्रामा कर रहे हैं। खैर, फैंस को इनके ड्रामे भी काफी पसंद आ रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे।